नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो वेक्टर्स जो हैं वो हैं क्या और स्केलर से किस तरह से डिफरेंट ये होते हैं वो हम जानेंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है पहले हम वो जान लेते हैं, एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं। वैसे तो हम इसके अंदर जो है स्केलर को वेक्टर को ही पढ़ेंगे। तो स्केलर के पास जो है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो ये हम जानते हैं कि जो स्केलर क्वांटिटी है उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो नहीं होती, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर अगर आप बात करें, मास की बात करें, लेंथ की बात करें, लेंथ हो गया और इसी तरह से टाइम हो गया, ये सारी जो है स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड है यानी कि मात्रा है। मास के पास भी मात्रा है, लेंथ के पास भी और टाइम के पास भी, डायरेक्शन नहीं है, तो इसीलिए जो है ये स्केलर क्वांटिटी हमारे पास होती है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके पास दोनों ही चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि मात्रा तो होगी ही डायरेक्शन भी होगी। जिस तरह से इसका एग्जाम्पल ले लें, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, इसके आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। वेलोसिटी मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है तो आप उसको डायरेक्शन भी देंगे कि मान लीजिए इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है तो आप बोलेंगे कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। और वेलोसिटी मतलब उसके पास मात्रा भी होगी, यानी कि मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति आवर के साथ वो चल रहा है और ईस्ट की तरफ जा रहा है तो इसके पास मात्रा भी है और डायरेक्शन भी है कि किस दिशा के अंदर वो जा रहा है। इसी तरह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, किसी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ये सारी ही जो होती हैं हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। ग्राफिकली अगर आप वेक्टर को समझना चाहें तो किस तरह से समझेंगे, जो ग्राफिकली है वेक्टर को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को आप एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो हेड उसके आगे लगा होता है उससे आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम एरो हेड लाइन भी बोल देते हैं जिस तरह से ये है, तो इस तरह से हम वेक्टर को जो है ग्राफिकली डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं आप कह सकते हैं। अब जो ये लाइन होती है, ये हमारी जो लेंथ ऑफ लाइन होती है ये हम सुटेबल स्केल पे ड्रा करते हैं जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को दिखाती है, यानी कि मात्रा दिखाती है वेक्टर की। अब मात्रा से क्या मतलब है, मान लीजिए ये जो है 3 न्यूटन अगर आपको फोर्स दिखाना है इस वेक्टर के थ्रू, 3 न्यूटन फोर्स दिखाना है तो आप किस तरह से दिखाएंगे। आप जो है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन के बराबर मान लेते हैं, सुटेबल स्केल पे आप इसको ड्रा करेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि सुटेबल स्केल पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो 1 सेंटीमीटर को आपने 1 न्यूटन मान लिया, यानी कि 3 सेंटीमीटर की आप इस तरह की लाइन लेंगे जो कि हमें दिखाएगी कि ये जो है 3 न्यूटन है। तो इस तरह से सुटेबल स्केल जो है, ये लाइन जो है सुटेबल स्केल के ऊपर आपको ड्रा करनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिखाती है। इसी तरह से अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेते हैं तो ये क्या दिखाएगी हमारी, 1 न्यूटन। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि आपको सुटेबल स्केल यानी कि 1 न्यूटन को आपने 1 सेंटीमीटर मान लिया तो 3 न्यूटन के लिए 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा के आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एरो हेड होता है वो हमें दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी कि यहाँ पे जो एरो हेड लगाया गया है, यहाँ पे देखिए ये जो एरो हेड है, ये एरो हेड दिखाता है डायरेक्शन कि इस दिशा के अंदर ये जा रहा है। तो ये जो पूरी लाइन है ये तो मैग्नीट्यूड दिखाएगी और ये एरो हेड दिखाएगा डायरेक्शन, तो इसके पास दोनों ही चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ग्राफिकली आप जो है इस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका ओरिजिन होता है यानी कि जहां से स्टार्ट होता है, ये जो लाइन स्टार्ट होती है इस पॉइंट से, इसको हम बोलते हैं टेल या फिर ओरिजिन ऑफ वेक्टर, इसको बोल देते हैं। और जो हमारा ये एरो हेड है इसको आप बोल देते हैं टिप और हेड, तो इसको आप टिप या फिर हेड बोलते हैं। तो इस तरह से ग्राफिकली जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक सिंगल लेटर के साथ जिसके ऊपर एरो हेड हो, तो इस तरह से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास फोर्स है, आप फोर्स को जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह से जो है आप जो है एक सिंगल लेटर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ एफ लिया और उसके ऊपर एरो हेड लगा दिया, जैसे कि ये एरो हेड है तो ये हमने लगा दिया, तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जो वेक्टर होते हैं उनको आप 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, एक तो होते हैं पोलर वेक्टर, एक होते हैं एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर क्या है वो जान लेते हैं।
पोलर वेक्टर हमारे वो वेक्टर होते हैं जिनके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, या फिर कहें कि अलोंग द मोशन जो है उनको हम दिखा सकते हैं, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या फिर जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उनकी होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट फोर्स है, मान लीजिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट है इस तरफ गया, तो ये क्या है, इस तरह का एक पोलर वेक्टर है, इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, तो इस तरह से जो है, या फिर फोर्स आप लगा लीजिए कि फोर्स लग रही है किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये जो है इनके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है। मान लीजिए यहां से लगाई या यहां से लगाई तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस तरह से जो है आप पोलर वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जो है यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेंगे, जो हमारा एक्सियल वेक्टर है उसके लिए एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे एक्सियल वेक्टर है उसके अंदर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर के अंदर जो है ये रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है, यानी कि वो हमारा था अलोंग द मोशन कह लीजिए, या फिर जो हम कह रहे थे कि स्टार्टिंग पॉइंट था पोलर वेक्टर के पास, लेकिन ये जो है रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है और एक्ट करता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशनल इफेक्ट दिखाएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होगा जिसके अराउंड कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट घूम रहा होगा। और ये हम लेते हैं इसके अंदर राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी कि राइट हैंड स्क्रू रूल का हम इसके अंदर यूज करते हैं उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी है या टोर्क इसका एग्जांपल है। अब इसके अंदर देखिए हमने एक तो ये जो है इमेज देखी, एक पीछे हमने इमेज देखी थी जिसके अंदर ये एरो ऊपर की तरफ था। अब देखिए अगर आप राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते हैं तो ये जो है थंब आपका नीचे की तरफ आ जाता है, अगर आप थंब को उल्टा करें तो थंब जो है आपका नीचे की तरफ आ जाता है, और इसके अंदर जो है अब जब आप थंब को नीचे की तरफ करते हैं और फिंगर को अपनी कर्ल करते हैं तो ये जो है आपको इस तरह का मोशन आपको इसके अंदर मिलेगा, यानी कि थंब नीचे कर रहे हैं आप राइट हैंड का, और जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो इस तरह का आपको मोशन मिलेगा। ये कौन सा मोशन है, ये हमारा होता है क्लॉक वाइज, तो ये जो है क्लॉक वाइज जो रोटेशन है ये दिखाता है। अब इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है और राइट हैंड जो स्क्रू रूल है उसका यूज कर रहे हैं, अगर थंब को आप नीचे करेंगे तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मोशन मिलेगा, लेकिन यही एरो अगर आप ऊपर की तरफ कर लें, यानी कि जो थंब है वो आप ऊपर की तरफ कर लें, जैसे पीछे वाली इमेज में हमने देखा था ऊपर की तरफ कर लें, तो आपको जो है इस तरह का रोटेशन मिलेगा, यानी कि ये जो है आपको इस तरह का मिलेगा, जैसे ये क्लॉकवाइज था ये जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है आपको रोटेशन मिलेगा। तो इसलिए जो है हमने इसके अंदर बात की है कि हम जो है थंब रूल का राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी और टॉर्क जो है एक्सियल वेक्टर होते हैं, यानी कि जो रोटेशनल इफेक्ट दिखाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब देखिए वेक्टर को हम पढ़ रहे हैं, इसकी इंपोर्टेंस ही हमें नहीं पता होगी तो पढ़ने का क्या फायदा है, वेक्टर हम यूज क्यों करते हैं, इनकी इंपोर्टेंस है क्या कि हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। इंपोर्टेंस इनकी तीन तरह से आप ले सकते हैं। पहली जो इंपोर्टेंस है, जो भी फिजिक्स के लॉ है, अब देखिए फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं, अब देखिए काफी सारे इस तरह के लॉ है फिजिक्स को जिनको हम आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं जो उनकी एक कंपैक्ट फॉर्म बनाकर वेक्टर का यूज करके, यानी कि काफी तरह के लॉ है जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक कंपैक्ट फॉर्म में, और इन वेक्टर का यूज करके हम उनको दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी एक एप्लीकेशन आ जाती है। दूसरा जो डेरिवेशंस होती हैं, मैनी लॉ जो फिजिक्स के अंदर काफी जो लॉ है उनकी जो डेरिवेशन है उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वेक्टर का यूज करके, तो यहाँ पे वेक्टर्स का यूज होता है। और कुछ लॉ है जो फिजिक्स के जिनको हम वेक्टर फॉर्म के अंदर दिखाते हैं वो रिमेन इनवेरिएंट रहते हैं, या कहें कि जो ट्रांसलेशन और जो रोटेशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम के उनके लिए रिमेन जो है इनवेरिएंट रहते हैं वो। तो इस तरह से जो तीनों ही जो इंपोर्टेंस है ये वेक्टर्स की होती हैं, तो इसलिए हम जो है वेक्टर की स्टडी करते हैं। तो ये थे हमारे वेक्टर्स, उनकी एक जो ओवरव्यू हमने लिया, इंपोर्टेंस उनकी देखी। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें देखेंगे जो इनकी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में कुछ जो डेफिनेशंस है वो देखेंगे। थैंक यू।